Hi guys, this is Amardeep Srivastav and in this video I'm going to tell you about the very much interesting topic on internet today is IoT, that is Internet of Things. I will explain you what is IoT and why we need to learn about IoT and what are the consequences or what are the applications that we will face for IoT, that is Internet of Things. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इसकी यूज क्या है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमको कैसे हेल्प करेगा हमारे अपकमिंग्स किसी भी चीजों में जो हमको हमारे लाइफ को इजियर और सिंपलर बनाएगा. तो मैंने इस वीडियो में कुछ कंटेंट डाले हैं आईओटी को लेके. तो उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ लेंगे, पहले कि नोज अबाउट आईओटी, मतलब हम लोग आईओटी के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईओटी समझेंगे, फ्यूचर्स एसोसिएटेड विद आईओटी जानेंगे, ओके, एंड व्हाई आईओटी, व्हाई वी नीड आईओटी ये जानेंगे. ठीक है ना, पहले समझते कि आईओटी है क्या. तो आईओटी समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे मान लो कि आप अपने घर में सोए हो और सुबह की अलार्म ला के सो रखे हो, तो अलार्म आपकी बजनी है 6:30 में और 7:30 मान लेते हैं. ठीक है, तो आपकी ऑफिस टाइम है 8:30, आपको 7:45 या 8 AM को ऑफिस के लिए निकल जाना है. बट अगर इसी बीच में अगर कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाता है मान लो, और आपका जो अलार्म क्लॉक है वो आपको ये भी, वो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपका अलार्म क्लॉक अगर सिंक्रोनाइज हो जाए तो कितना अच्छा होगा. मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता चल जाए कि मैं अगर चलता भी हूं अगर ऑफिस की तरफ तो ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक हमको आगे नहीं जाने देगा, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रोड्स पे मतलब ट्रैफिक जैम में ही वेस्ट होगा. तो इससे अच्छा है कि मैं अपने अपने घर में ही रहूं और वो ही अच्छा है. तो ये आपको आईओटी प्रोवाइड करेगा थ्रू अलार्म क्लॉक. अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मान लो कि आप ऑफिस में हो, ऑफिस में हो और आपने क्या किया, अपने घर की गीजर को या फिर अपने घर की रूम वार्मर को ऑन करके चले गए हो आप ऑफिस, थोड़े आप भूल के चले गए हो, थोड़े समय के बाद आपके घर में जो सेंसर इक्विप्ड क्लॉक लगा हुआ है और आईओटी बेस्ड जो क्लॉक लगा हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा वाया इंटरनेट. आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि आपके घर की टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस थी पहले और अब क्या हो रही है, अब एकाएक सडन राइज इन टेम्परेचर शो हो रहा है. सो आपको दे विल इन्फॉर्म कि आपको वहां जाकर के उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना होगा और ये एक अलार्म के लिए भी काम करेगा. ठीक है, तो आईओटी है क्या इसके बारे में समझते हैं पहले. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल इनेबल थिंग्स अराउंड यू टू अपडेट देयर स्टेटस ऑन इंटरनेट. तो बेसिकली ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो क्या करता है, आपके आसपास के जितने भी डिवाइसेस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे और विजिबल डिवाइसेस होंगे, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट से कनेक्ट कर देगा और वो कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वाया दैट इंटरनेट प्लेटफॉर्म. तो वो होता क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल इनेबल थिंग्स अराउंड यू टू अपडेट देयर स्टेटस ऑन इंटरनेट. अब जैसे आप घर से निकले हो, रास्ते में ट्रैफिक है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. अगर आप मान लो ऑफिस टाइम ओवर हो गया आपका, आप घर की तरफ आ रहे हो, आप चाहते हो कि घर आने से पहले मेरे मतलब मेरी पानी जो मैंने रख रखी है वो बॉयल हो जाए, फिर मेरे ऑटोमेटिकली मेरी कॉफी प्रिपेयर हो जाए, तो आईओटी जो के बेस जो ऐप होंगे वो कॉफी मशीन को इन्फॉर्म कर देगा वाया इंटरनेट बेसिस कि आप 15 मिनट्स यू विल अराइव, सो स्टार्ट मेकिंग द कॉफी. तो इतना ईजी कर सकता है हमारे काम को. अब ये है क्या, बेसिकली इट इज अ ब्लेंड ऑफ सेंसर्स विच इज द इनपुट, प्रोसेसर विच इज द ब्रेन, एक्टुएटर विच इज द आउटपुट विथ मेलोडी ऑफ इंटरनेट इन इट. मतलब आप कुछ इनपुट कर रहे हो थ्रू वाया सेंसर्स, तो सेंसर्स का इसमें बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन होगा, प्रोसेसर होगा जो उसका ब्रेन की तरह एक्ट करेगा और जो आउटपुट रिसीव करेंगे वो एक्टुएटर की तरह बिहेव करेगा. तो इंटरनेट इसमें बेस्ट पार्ट करेगा. इंटरनेट क्यों, अगर हम लोग इसको मतलब इंटरनेट बेस्ड सिस्टम क्यों हम लोग जा रहे हैं उसका भी रीजन बताएंगे, व्हाई आईओटी, एंड बहुत ही अच्छे से बता दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है. इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, रिड्यूस्ड कॉस्ट, बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव लाइफ. अब जैसे मान लो जैसे कि मान लो आप फार्मिंग करते हो, एडवांस फार्मिंग करते हो, तो आप आईओटी के थ्रू कैसा भी कर सकते हो. जैसे कि मान लो कि आपकी जो खेत है वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स लग गए हैं मान लो, तो आप आईओटी के थ्रू, आईओटी बेस्ड ड्रोन सिस्टम के थ्रू आप सर्वेलेंस कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो कि आपका कहां पे कौन सा पोर्शन सही है, कौन सा पोर्शन बेकार हो चुका है और कहां पे क्या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का जरूरत पड़ सकता है.
आईओटी बेस्ड सिस्टम ड्रोन्स जो होगा वो आपको ये भी बता सकता है कि अब बारिश होने वाली है कि नहीं, अब कुछ दिनों में बारिश होगी कि नहीं। अब जैसे मान लो आपका स्मार्ट क्लॉक है, आप चल रहे हो कहीं, एकाएक आपकी हार्ट कार्डिक अरेस्ट हो गई मान लीजिए, तो वो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा आपके वॉच जो होंगी, वो आईओटी बेस्ड वॉच जो होंगी वो तुरंत आपके जो फैमिली डॉक्टर होंगे उनको इन्फॉर्म करेगा वाया मैसेज दैट कि मतलब आपके जो पेशेंट है उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। वो तुरंत एम्बुलेंस को वो कर देंगे और आपको आपकी जान बचाई जा सकती है। तो आईओटी इतना हद तक हमें हेल्प कर सकता है थ्रू देयर कनेक्शंस ऑफ इंटरनेट और थ्रू देयर रिलेशन ऑन इंटरनेट बेसिस, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ को इम्प्रूव करेगा, फिर हमारा कॉस्ट तो घटाएगा ही ऑब्वियस है। जहां पे हमको एक मेड चाहिए थी, जहां पे हमको एक डिफरेंट मैनमेड्स और डिफरेंट मैन पावर चाहिए था, वहां पे मैन पावर का कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टाइम डिले नहीं होगा, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आईओटी है क्या, तो सिंपल पता चल गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से थ्रू अ कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट, कि आपको आपको आपकी जरूरत कब और किस समय और क्या है यही आपको बताएगा और कुछ नहीं। आप मान लो कोई एक प्रोग्राम देखते हो, जैसे कि मान लो आप कोई प्रोग्राम देखते हो या फिर जीओटी हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी कोई प्रॉपर टाइमिंग है, आप कुछ काम भी कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्म कर देगा थ्रू वॉच, थ्रू फोन, थ्रू एनी आईओटी बेस्ड डिवाइसेस दैट यू यूज लाइक लैपटॉप, वाईफाई, स्पीकर्स, एनीथिंग लाइक एलेक्सा। एलेक्सा जो यूज करते हैं वो भी आईओटी बेस्ड डिवाइस है। एलेक्सा क्या है, वो भी आपसे इंटरेक्ट करती है, मतलब डिवाइस टू ह्यूमन इंटरेक्शन इज सो रिलायबल एंड सो इजी दैट देर विल बी नो इंटरेक्शन और देर विल बी नो नीड टू ऑफ एनी मैन पावर, एक्स्ट्रा मैन पावर नीडेड। सो सिंपल ये होगा कि आप जैसे एलेक्सा है वो भी आईओटी बेस्ड डिवाइसेस है, जैसे आप अपने बाइक है मान लो, बाइक से आप इंटरेक्ट कर सकते हो डिजिटली, कि आपकी बाइक आपको पहले इन्फॉर्म कर देगी कि इतनी दूर पे जाके आपकी पेट्रोल खत्म हो जाएगी, आपको यहां पे जाके फिल कर लेना पड़ेगा, और इतनी किलोमीटर आगे जाके एक पेट्रोल पंप है, जैसे जीपीएस सिस्टम बेस्ड करता है वो ही। तो ये मेडिकल फील्ड में भी काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो अगर आपको अगर कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, तो ये तुरंत जो अगर आप स्मार्ट वॉच पहन के रखे हो या फिर स्मार्ट कोई भी डिवाइस पहन के रखे हो, तो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा आपके फैमिली डॉक्टर या किसी आसपास के हॉस्पिटल को कि देयर इज अ पेशेंट देयर और आपको वहां जाना है, उनको उसको कलेक्ट करना है क्योंकि वो अभी ट्रबल में है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में जैसे समझते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई एसी और फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इंडस्ट्री है, तो वो कंपोनेंट्स को वो अच्छे से ख्याल रख सकेगा। अगर मान लो कि एसी और फ्रिज डिलीवरी अगर हो रही है मल्टीपल सिटीज में, तो किस सिटी में कहां पे किस डीलर को क्या मिलना है, कितना मिलना है, ये सारा ख्याल हमारा आईओटी रख लेगा। उतना ज्यादा हमें मैनमेड का कोई कैलकुलेशंस नहीं करना होगा, कहां पे कितने डिवाइसेस देने, कहां पे कितने एप्लीकेशंस देने हैं, सारा एक कॉमन फीड बना होगा, उसमें मेरा सारे स्टोर होगा और मेरी इंटरनेट जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारा का सारा एप्लीकेशंस करेंगे। स्मार्ट होम्स, आप क्लैप करके लाइट ऑन कर सकते हैं, क्लैप करके लाइट ऑफ कर सकते हैं, ये भी एक आईओटी बेस्ड और सेंसर बेस्ड फंक्शन ही है। जैसे आप मान लो कि आप आ रहे हो कहीं से, तो आप चाहते हो कि एसी की टेम्परेचर अगर आप चाहते हो 24 डिग्री सेल्सियस पे एडजस्ट हो जाए, आप कार में ही हो, बाहर ही हो, और आप कार से इन्फॉर्म कर दो मतलब डिवाइस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कि आपको इतनी ज्यादा टेम्परेचर आपकी घर जो होगी वो 15 मिनट पहले एसी को ऑन कर देगी, और वहां पे आईओटी बेस्ड सिस्टम स्मार्ट होम्स अच्छे से काम करेगा। स्मार्ट सिटीज भी हो सकता है, जैसे मान लो स्मार्ट सिटीज कहने का ये मतलब हुआ कि बहुत कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो साइलेंटली डंप करती है पॉल्यूशन रिवर में, ठीक है, साइलेंटली अगर वो डंप करती है पॉल्यूशन रिवर में, तो इस चीज का रेगुलेशन हर हमेशा मैनमेड सर्वेलेंस से नहीं पता चल सकता है, मैनमेड सर्वे से नहीं पता चल सकता है। तो स्मार्ट बेस्ड सिस्टम और सिटीज क्या करेगा, वो जो पॉल्यूशन कहीं भी डंप होगा, तो वहां पानी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर अगर बढ़ गया, तो उसको डिटेक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया या फिर पानी का शोर बढ़ गया या फिर अल्कलाइन ज्यादा हो गया, तो वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ के रिवर के पोर्शन में, यहाँ इस एरिया में मेरा ये एसिडिटी और एसिडिफिकेशन हो रहा है वाटर में, इसका रीजन ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप जाके वहां चेक कर सकते हो। एनवायरनमेंट में मॉनिटरिंग में जैसे हो सकता है कि कोई तूफान आने वाला, जैसे हुडहुड हो गया, कैटरीना हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो प्री इन्फॉर्म कर देगा कि आपको ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, सो यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस ओवर दैट। एनर्जी मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर कोई ग्रिड है मान लो, कोई जैसे मान लो कि बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि इंडक्टिव और ये कह सकते हो कि वो अगर कुछ यूनिट ले रहे हैं और फिर एनर्जी की चोरी कर रहे हैं कहीं से, ठीक है, वो कुछ लोड्स के लिए लिए थे और उससे जो लोड उन्होंने इशू करवा रखा है उससे ज्यादा लोड वो यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग सम एडल्ट्रेशन टॉपिक्स। तो तुम आप ये कह सकते हो कि आईओटी आपको इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे जो है ये जो ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है, यहाँ पे जो ग्रिड हाउस कनेक्टेड या फिर इंडस्ट्री कनेक्टेड है वो कुछ गलत कर रहा है, ये इन्फॉर्म कर देगा आपको थ्रू
इंटरनेट और आप वहां जाके काम कर सकते हो, मतलब उनपे एक्शन ले सकते हो। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है आईओटी की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्यों एप्लीकेशन, आप देखो आईओटी क्यों जरूरत है, क्या आईओटी सक्सेसफुल है और अगर है तो क्यों है, ये हम जानते हैं। तो प्रेजेंटली अभी हम लोग 7.676 और 7.7 बिलियन पूरा का पूरा पॉपुलेशन ऑन अर्थ है, जिसमें अर्बनाइजेशन 56% है, ठीक है। जो यूनिक मोबाइल यूजर्स हैं वो 5.112 बिलियंस हैं आउट ऑफ 7.7 बिलियंस। तो 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज यूनिक मोबाइल यूजर, ठीक है। तो आप इस कंसेंट्रेशन और आप पॉपुलेशन को देख के बता सकते हो कि हाँ, अगर यूनिक मोबाइल यूजर्स इतने हैं तो आईओटी विल फंक्शन वेरी इन वेरी फाइन मैनर। इंटरनेट यूजर्स उसमें कितने हैं, 4.388 बिलियंस इंटरनेट यूजर हैं, जो कि 57% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सो यू कैन से दैट कि अगर मैं आईओटी को लेके आता हूं तो ये सक्सेसफुल होगा और ला भी रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल में यूज कर रहे हैं अभी आईओटी को। आईओटी फ्यूचर बहुत ही अच्छी फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। अब देखो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर भी हैं, 3.484 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं। तो आप इतना जान सकते हो कि जो जो ह्यूज मास ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज नियर अबाउट 57 और 67% आर यूजिंग इंटरनेट, 57% आर यूजिंग द इंटरनेट। सो यू कैन से दैट वी कैन यूज इंटरनेट बेस्ड सिस्टम टू मेक सिंप्लीफाई और टू सिंप्लीफाई आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो मैं यही बताने के लिए किया कि क्या आईओटी अगर हम ला रहे हैं, और अभी आ भी रहा है 2020 तक तो बहुत ज्यादा ही बूम हो चुका है आईओटी, बट अगर आईओटी हम ला रहे हैं तो क्या इसका एप्लीकेशन हमारे लिए फिजिबल है, और अगर है तो क्यों है। इसका रीजन यही है कि पॉपुलेशन, ह्यूज मास ऑफ पॉपुलेशन इज यूजिंग इंटरनेट टूडे, दैट इज 4.388 बिलियन आउट ऑफ 7.7 बिलियन। तो आईओटी जो है वो कनेक्टिविटी है मोस्टली। तो जितना ज्यादा कनेक्टिविटी होगा, हम अगर मान लो ये अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आप यहां बैठे हो, ठीक है, इन आप अगर ये आपकी मॉम है, मान लो आप कहीं और ऑफिस में हो, मान लो आप दिल्ली में हो और ये आपके किसी विलेज में बैठी हैं, इनके पास कोई स्मार्ट वॉच है, ये मतलब समझ लो कि अगर ये उतनी कैपेबल नहीं है उसको यूज करने के लिए, बट फिर भी अगर ये स्मार्ट वॉच वियर करती हैं, ठीक है, तो अगर ये स्मार्ट वॉच ईयर करती है और अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता है हार्ट रिलेटेड या किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो आपको एक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा थ्रू योर डिवाइस, दैट इज योर फोन, योर लैपटॉप, योर एसेसरीज, एनीथिंग दैट यू वेयर और एनीथिंग विच यू कैरी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन लिया, आपने तुरंत इस मैसेज को अपने आसपास के किसी रिलेटिव को, हो सकता है या फिर किसी डॉक्टर को, किसी भी एम्बुलेंस को आपने तुरंत रेफर किया और इनको सेव कर लिया गया। तो आईओटी बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बट कहते हैं कि जैसे बून होगा तो बैन भी होगा, तो इससे क्या दिक्कत है, ये कि थोड़े मैन पावर की कमी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीमेंट हो सकता है इसकी वजह से, जो नॉर्मल लेबर्स हैं उनका यूजेस कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक कोड दिया गया है ऑन आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कि रीच आउट एंड टच समबडी इज बिकमिंग रीच आउट एंड टच एवरीथिंग, मतलब आप जरूरत नहीं है कि किसी से मिलना या किसी को फील करना है तो आपको उसके पास जाना होगा, ये जरूरी नहीं है, आप सबसे कनेक्ट हो सकते हो थ्रू डिस्टेंस, दिस इज आईओटी। सो यही था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दीस थिंग्स, एंड यू कैन कनेक्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज गेट इजी सिंप्लीफाइड, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, सो कनेक्ट मी थ्रू दिस। इफ यू वॉन्ट टू मेक लेक्चर और वीडियोज ऑन सच टॉपिक ऑफ आईसीटी बेस्ड, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, और एनी यूपीएससी और एनी जनरल अवेयरनेस टॉपिक बेस्ड, यू कैन मैसेज मी और यू कैन इवन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।